गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ फ्लामिंग बुक द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ पोइट्स एंड पेन सो लेट्स स्टार्ट जैसे कि हमने आप लोग को कल पढ़ाया था इसके बारे में अशोक मित्रन जी के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था इसमें आपको बस ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी बस कुछ पॉइंट हैं वो याद रखना है अशोका मित्रन का जो फुल नेम था वो मैंने बताया था जगदीशा था और उसके बाद उन्होंने जो किताब लिखी हुई है ठीक है वो कहाँ काम करते थे ठीक है कौन सी उन्होंने बुक लिखी हुई है और वो जैमनी स्टूडियो में क्या काम करते थे ठीक है ये सारा आपको याद रखना ठीक जैमिनी स्टूडियो में वो कटिंग का काम करते थे ये तो मैंने आपको बताया था ठीक और फिल्म डायरेक्टर जो हैं उनका नाम क्या है एस एस वा एस एस वासन है ठीक है अशोक मित्र जर्मनी स्टूडियो में, तो में न्यूज़पेपर क्लिपिंग का काम किया करते थे कटिंग क्लिंग क्लिपिंग का काम किया करते थे ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है ठीक आगे देखते हैं और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बुक है ये जो पॉइट एंड पेनकेक्स चैप्टर है वो कौन सी बुक से लिया गया वो उनके द्वारा लिखी गई इस किताब से दिया गया है ठीक है ये एक एक्सर्प्ट है उसका क्योंकि छोटा सा एक पार्ट लिया गया है इसी किताब से ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है ठीक है आगे चलते हैं तो देखते हैं शुरुआत करते हैं कि चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है हाँ पेनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक रोड ट्रक लोड्स तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो पेनकेक है ठीक है ये एक क्या है ब्रांड है ठीक है पेनकेक क्या है एक ब्रांड नेम है इसका मेकअप मटेरियल का ठीक है जिसको जामनी स्टूडियो में ठीक है बॉट इन ट्रक लोड्स यानी कि इसको जमिनी स्टूडियो में लाया गया था ठीक है ट्रक लोड यानी कि इस उस समय इसका बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसका काम चल रहा था ठीक लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे ठीक अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है ग्रीटा गार्बो ग्रीटा गार्बो एक एक्ट्रेस है ये एक स्वीडिन एड्रेस है देखिए यहाँ पे एक्ट्रेस हैं यहाँ आप देख सकते हैं इनके बारे में नीचे लिखा हुआ भी है ये हाँ ये देखिए ये इनमें लिखा हुआ है कि अ स्वीडिश एक्ट्रेस इन 1955 शी रिसीव्ड अ एन ऑनरेरी ऑस्कर फॉर हर अनफ्रॉगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंस यानी कि इन्हें 1954 में एक अवॉर्ड भी मिला था ऑस्कर ठीक है ऑनरेरी और जो कि उनके स्क्रीन परफॉर्मेंस को के लिए मिला था जिस जिसको हम लोग भुलाए नहीं जिसको भुलाया नहीं जा सकता दूसरी बात यह है और यही चीज़ एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेम्ड होगी है इनकी ठीक है क्या नेम्ड होगी है क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल वुमेन रही थी ठीक है उस ज़माने में और शी वॉज ऑल्सो वॉटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री ठीक है बेस्ट साइलेंट कंट्री का इनको भी एक वॉटेड दिया गया था ठीक आगे देखते हैं इनके बारे में पता चल गया नेक्स्ट तो यहाँ देख रहे हो ग्रेटा, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट यानी कि जो पैनकेक है इस मेकअप को ग्रेटा हाँ ठीक है किसको यूज़ किया था पेनकेक को किसने यूज़ किया था ग्रीटा गार्बोन और उसके बाद दूसरा अगर कोई यूज़ करने वाला था तो वो विजयंती माला ठीक है विजयंती माला एक इंडियन एक्ट्रेस है ठीक जिन्होंने परफॉर्मेंस जिनका जो परफॉर्मेंस था पूरे भारत में मतलब पूरे आ, उनके कंट्री में फैल गया हुआ था अप्रीशिएटेड भी किया गया था उनके काम को ठीक है और उसके बाद यहाँ देखते हैं शी वॉज़ थ्री बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर एक्टिंग या मतलब शिवॉन उन्होंने तीन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीते थे एक्टिंग के शी इज़ नाउ एन एक्टिव पॉलिटिशियन अभी अब वो एक पॉलिटिशियन है सिर्फ एक्टिव पॉलिटिशियन है चलो आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ से विजयंतर माला के यस yes. तो विजयंतर माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज इट हाँ विजयंतर माला ने भी इसको यूज़ किया हुआ है किसको पेनकेक पेनकेक क्या है मेकअप मटेरियल मैं बार बार बता रहा हूँ पेन के क्या है मैटर मटेरियल है ठीक है मेकअप मटेरियल उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यहाँ बता रहे हैं कि बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवेन हर्ड ऑफ इट जो रति अग्निहोत्री हैं उन्होंने तो इसका नाम भी नहीं सुना था क्योंकि उस टाइम ये नहीं पहुँचे होंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा ऐसा होता ना जैसे हमारे टाइम पर वो च, वो सामान या वो सारा मेकअप चल रहा होता है या पहले ज़माने में बहुत पुराने पुराने सिक्के चल रहे होते लेकिन आज के ज़माने में तो कुछ करेंसी चेंज होगी नहीं होगी तो इसी तरीके से जब लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ पीछे जो चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं वो छूटी जाती हैं इस उसके बाद देखते हैं क्या होता है द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ़ द जेमिनी स्टूडियो वॉज़ इन द अपस्टेयर ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रोबर्ट क्लाइव्स टेबल्स तो रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स का नाम शायद आपने सुना होगा तो देखो हम आपको बता दें जो जामिनी स्टूडियो था वो कहाँ था ऊपर की ओर बिल्डिंग में जाते जा जब जाते हैं उस साइड को जामिनी स्टूडियो पड़ता था और ये जो जामिनी स्टूडियो था किसका था रॉबर्ट क्लाइव का किसका था रॉबर्ट क्लाइव का था और वहाँ पर क्या था अ डज़न अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेट टू हैव बीन हैव बिन हिज़ रेजिडेंट यानि कि वहाँ पर सिटी में कम से कम सात से आठ बिल्डिंग उन्हीं के उन, उन्हीं के रेसिडेंट्स में थी कि उनकी रॉबर्ट के में फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास यानी कि वो क्या करते थे एक छोटी लाइफ और अपना मद्रास में वो स्टे भी करते थे ठीक है रॉबर्ट क्लाइफ सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग यानी कि उन्होंने बहुत से मतलब अप्स डाउन देखे और प्लस वो उन्होंने बहुत आगे आ, काम करने की भी सोची ठीक है बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बेटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मेडन इन एस टी सेट एस टी चर्च इन फोर्ट एस टी जॉर्ज इन मद्रास तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया गया कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं उन्होंने एक मेडन मेडन मतलब एक कुंवारी लड़की ठीक तो आ, यहाँ पर उसे शादी की और शादी करने के बाद कहाँ शादी की वहाँ पर उन्होंने एस टी मेरीज चर्च में शादी की जो कि एस टी जॉर्ज इन मद्रास जो कि मद्रास में इस जगह का ये मद्रास में है और ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस भी है ठीक है तो ये छोटा सा एक पार्ट था इनके बारे में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ठीक है कि रॉबर्ट क्लाइव कौन थे और आपको बता दिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव हैं ये एक जामिनी स्टूडियो के पहले मालिक थे उसके बाद इन्होंने अच्छा इनका अच्छा काम किया काम करने के बाद इनका जब काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगा तो ये दूसरी जगह मूव हो जाते हैं देखते हैं यहाँ पर नीचे द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स अच्छा जहाँ मेकअप रूम होता है तो उस मेकअप रूम में पहले पुराने जो बल्ब होते हैं वहाँ पर पुराने पुराने बल्ब जलते थे जैसे कि आप लोग देखते हो अभी भी हम हम अपने घर में एक ऐसा बल्ब लगा लेते हैं जो शायद वो येलो कलर की रोशनी छोड़ता है और रोशनी के साथ साथ वो हीट भी बहुत ज़्यादा करता है अब सोचो अगर ज़्यादा से ज़्यादा सात या आठ मिरर लगे हुए हैं और वहाँ पर क्या लगा हुआ है बल्ब लगे हैं और उनका रिफ्लेक्शन ठीक है जब हमारे ऊपर पड़ता है शीशे के शीशे के जरिए तो वो हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है तो सोचो उन एक्ट्रेसेस जो मेकअप लगाया करती थी उनके चेहरे पर जब उसकी हीट पड़ती होगी तो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी तो ये एक्सप्लेन ये यहाँ बताया जा रहा है फिर से देख लेते हैं द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून जो मेकअप रूम था वो एक ऐसा हेयर कटिंग सैलून की का लुक दिया गया था उसको ठीक है और विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स हर एंगल्स पे लाइट लगी हुई थी अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर जहाँ बड़े बड़े कम से कम सात या आठ आपके मिरर लग वहाँ पर लगे हुए थे ठीक दे वर ऑल इन कैंड इनकैंडिसेंट लाइट्स इन देखो ये इनकेसेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी गर्म लाइट गर्म लाइट होती है जैसे कि बल्ब की लाइट होती है पीला पीला जो बल्ब बल्ब होता है ना उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हीट होती है क्योंकि हम लोग उसको हाथ से भी नहीं पकड़ पाते लेकिन सी एफ एल होती है सी एफ एल को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं करती है so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup, तो so, fiery मैज misery, misery का मतलब होता है बहुत ज़्यादा heat तो so, आप समझ सकते हैं कि imagine कर सकते हैं कि कितना उनको heat का सामना करना पड़ता था makeup करने के लिए the makeup department was first headed by a Bengali और पहले आपको बता दें जो makeup है ठीक है किस मेकअप uh, डिपार्टमेंट वो था किसका था एक बंगाली का था वो बिकेम टू बिग फॉर आर स्टूडियो एंड लेफ्ट उसके बाद वो फेमस हो गया और उसने वो जगह छोड़ दी ताकि वो और भी ज़्यादा फो फेमस हो जाए दूसरी जगह काम करने के लिए ये वो सक्सीडिड बाई अ महाराष्ट्रियन ठीक है यानी कि उसने ये जो अपना मेकअप डिपार्टमेंट था वो किसको दे दिया एक महाराष्ट्रियन को दे दिया जो जिसके साथ कौन कौन असिस्टेंट कर रहा था ठीक है धरभ धरभर कनाडिंगा कनाडिगर ये और एंड द एंड आंध्रा एंड एं मद्रास इंडियन क्रिश्चियन ये भी थे एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूज लोकल तमिल्स ये सारे लोग किन के साथ थे महाराष्ट्रियन के साथ थे यानी कि असिस्टेंट समझ लीजिए ये उनके असिस्टेंट थे ताकि उनके साथ काम कर सकें ठीक है नाम याद रखना मैं आपको हेंट कर दे रहा हूँ कि ये तो महाराष्ट्र महारहाराष्ट्रीय है इन्होंने उसको ख़रीदा था उसके बाद उनको असिस्टेंट कौन कर रहा था एक हैं धराबर कन्नाडिका कन्नाडिका और एक आंधरा है मद्रास इंडियन क्रिश्चियन हो गया इंडियन क्रिश्चियन हो गया ठीक है एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स और वहाँ के इतने लोग जो थे उनको असिस्टेंट कर रहे थे ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटेग्रेशन लॉन्ग बिफोर ठीक है ए आई आर एंड दूरदर्शन बिगिन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम ऑन नेशनल इंटेग्रेशन तो उस समय जो ऑल इंडिया जो रेडियो था ना ए आई आर का मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो उस समय ऑल इंडिया रेडियो प्लस दूरदर्शन का भी ब्रॉडकास्टिंग uh, भी चल रही थी प्रोग्राम आया करते थे उस पर ठीक है तो इन्होंने उसका सहारा लिया और अपने आप को और ज़्यादा क्या बना लिया कामयाब बना लिया वेल गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है ठीक है कल और आपको इसको एक्सप्लन कर देंगे ठीक है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो आप लोग इसको सही से सुन नहीं पाते हैं और टाइम भी नहीं देते आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इतना सुने और बाकी कल आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं सी यू गाइस